हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सब लोग? आई थिंक सब लोग सही होंगे और अच्छे होंगे। सबसे पहली बात, कोरोना बहुत तेजी से बढ़ रहा है, तो घर पे रहें एंड स्टडी करते रहें, ज़्यादा बाहर नहीं घूमें। ओके, तो ऐसा ध्यान रखें आप लोग। और आज की जो हमारी क्लास है वो है लेक्चर 3 इंटीग्रल्स की। 7 नंबर चैप्टर है क्लास 12। ओके, 7.1 7.2 इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे। इससे पहले जो आपके 2 वीडियो हो चुके हैं उसके अंदर हमने बेसिक कॉन्सेप्ट इंटीग्रल से देख लिए थे। इसके अलावा 7.1 के कुछ क्वेश्चंस को भी हमने कर लिया था, तो उसी सीरीज में हम आगे बढ़ेंगे अब। और यहाँ पर जो रिमेनिंग क्वेश्चन है वो हम करेंगे। लास्ट टाइम हमने 18 तक क्वेश्चन कर लिए थे और अब हम 19, 20, 21, 22 ये क्वेश्चन करेंगे। फिर हम 7.2 का बेसिक कॉन्सेप्ट देखेंगे और उसके क्वेश्चन करेंगे। ओके, तो इस तरीके से हम ये करेंगे। तो अगर अभी तक आपने जो रिमेनिंग पीछे वाले वीडियो हैं वो नहीं देखे हैं तो उनको देख लें पहले। तो इससे क्या होगा कि आपको अभी जो हम समझाएंगे आपको वो समझने में थोड़ा आपको काफ़ी ईजी रहेगा। तो थोड़ा सा ध्यान रखें एंड कंटिन्यूसली इसको वॉच करते रहें आप, है ना। एंड अपने जो फ्रेंड सर्कल है उसके अंदर शेयर करें आप, और वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिले और हम लोग आपके लिए इसी तरीके से क्वालिटी कंटेंट लाते रहें। ओके, तो चलिए चलते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले एक बहुत इम्पोर्टेंट टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट बहुत इम्पोर्टेंट होता है लाइफ में। क्या मतलब होता है इसका वो देखिए। टाइम मैनेजमेंट आपका हर एक काम आता है, अपनी डेली लाइफ के अंदर भी एंड जो एग्जाम हॉल है उसके अंदर भी। ओके, डे लाइफ में कैसे, कभी आप गौर करना, आप क्या करना कि अपने टाइम को काउंट करना। टाइम काउंट कैसे करोगे, आप अपने जैसे 24 आवर होते हैं तो पर आवर के हिसाब से आप एक लिस्ट बना लीजिए अपनी, है ना। कि जैसे मान लीजिए आप सुबह मॉर्निंग 5 से 6 आ जाते हैं, तो है ना, 5 से 6, 6 to 7, 7 to 8, इस तरीके से 1 1 आवर के सेगमेंट एक पेज पे लिख लीजिए। और ये आपको करना है 7 डे, 7 डे या 10 डे के आसपास। ओके, तो 7 डे में आप ये, इसमें आपको ये बनना है कि कब आप मॉर्निंग में उठे, है ना, और कब तक आपने फ्री हुए, जो भी आपकी डेली रूटीन होता है उससे। देन आपने फिर क्या किया, पूरा एक प्रोसेस आपको लिखना है। ओके, और कहाँ पर आप टाइम को कम कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप खाना खाने गए, खाना खा आप खा सकते हैं 15 मिनट के अंदर या फिर 10 मिनट में, आपने उसमें लगा दिया 30 मिनट। ओके, सपोज 10 मिनट में आपने खाना खाया और उसके बाद आप फ्रेंड से बेफिजूल की बात करने लगे, है ना, या फिर आपने वीडियो, आजकल तो शॉर्ट वीडियो चलते हैं यूट्यूब के, इसके अलावा और भी बहुत कुछ, इंस्टाग्राम आप लोग यूज करते हो तो मैं वो रील्स का भी कुछ चलता है आप लोगों का, तो वो चीज़ देखने लगे, तो आपने उसमें कितना टाइम वेस्ट किया अपना, वो सब आप एक बार इसमें काउंट करना। तो जो बच्चा अच्छे मार्क्स लाता है ना, और जो आगे बढ़ता है उसके पास, उस 10 काम करता है फिर भी उसके पास टाइम रहता है और आपके पास टाइम नहीं रहता, तो यहाँ से आप फाइंड कर पाएंगे कि आपका जो टाइम है वो कहाँ जा रहा है। ये तो हो गया एक आपको टाइम बचाने का तरीका और मैक्सिमम आउटपुट करने का। एंड टाइम मैनेजमेंट, यहाँ पे मैनेजमेंट से मतलब क्या हो गया कि कोई भी काम कर रहा है, जैसे मान लीजिए आपने 4 आवर्स स्टडी की और आपने सिटिंग दी मान लीजिए 6 आवर्स, बट जो आप आउटपुट निकल के आया, जो मतलब जिस जो जो एक्चुअल में वर्क हुआ वो कितना हुआ, 4 आवर्स का वर्क हुआ या फिर 3 आवर्स का वर्क हुआ, तो वो क्यों हुआ, उसमें कैसे आप उसे इंक्रीज कर सकते हो, ये चीज होता है मैनेजमेंट। ओके, तो ये देखना है। तो वैसे भी एग्जाम में 3 आवर्स मिलते हैं मान लीजिए आपको, तो पर आकर पर क्वेश्चन के हिसाब से अपने आपको डिसाइड करना है कि ये क्वेश्चन हमें इतने टाइम में कर लेना है। ओके, तो ये सारा प्रोसेस होता है टाइम मैनेजमेंट का, तो अप्लाई करना आप ये चीज़ें जिससे कि आपको काफी हेल्प मिलेगी। ओके, तो अब लिखते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। सॉरी। ओके, तो नाइनटी नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर एक्स, यहीं पर कर देते हैं इसको। तो यहां पर क्या करना है, क्वेश्चन लिख लो पहले। सेक स्क्वायर एक्स एंड कॉसेक स्क्वायर एक्स,
चूज द करेक्ट आंसर इन आपका, यहाँ पर ये दो क्वेश्चन है, इसमें आपने इंटीग्रेशन निकल करना है इसका। तो यहाँ समझना हम इसे लिखेंगे सेक स्क्वायर एक्स को। तो ऐसे क्वेश्चन करने के कई तरीके होते हैं, मैं जो बता रहा हूँ वो लिख लीजिए आप। सेक स्क्वायर एक्स तो इसे हम लिख सकते हैं 1 अपॉन cos² x, एंड cosec² x इसे लिख सकते हैं हम लोग 1 अपॉन sin² x। अब हम यहाँ पर इसको पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 अपॉन cos² x अपॉन sin² x ये हो जाएगा। इसको अरेंज करेंगे तो क्या हो गया, ये ऊपर चला जाएगा sin² x अपॉन cos² x, एंड ये आपके पास हो गया 10 स्क्वायर। ओके, अब इंटीग्रेशन निकालना है तो इसका देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पर 10 स्क्वायर क्या होता है, तो हमें पता है कि 1 प्लस 10 स्क्वायर x इक्वल कितना होता है, 10 स्क्वायर x। तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर 1 को इधर भेज देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 10 स्क्वायर x 10 स्क्वायर x -1। तो हम यहाँ पर लिख देंगे 10 स्क्वायर x -1 और ये dx। अभी हम इंटीग्रेशन अलग कर लेंगे तो यहाँ पर 10 स्क्वायर x dx एंड 1 dx ये हो गया है ना। अब हमें पता है 10 स्क्वायर x बराबर क्या होता है हमारे पास, ये होता है हमारे पास 10 x, एंड ये हो जाएगा -x+c। ओके, तो ये हमारा इसका फाइनल आंसर हो गया। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कैसे क्या किया है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर, 2 -3 sin x अपॉन cos² x, ये हम यहाँ पर देखें। ओके, तो क्या करेंगे इसका वो देखिए। क्वेश्चन है हमारे पास 2 -3 sin x अपॉन cos² x। ओके, एंड डी एक्स। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 अपॉन cos² x माइनस ये डी एक्स कर दीजिए, एंड यहाँ पर 3 को आगे ले लीजिए, sin x अपॉन cos² x एंड ये डी एक्स। ओके, तो इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 sec² x -3, एंड यहाँ पर हम इसे देख लेंगे तो ये हो जाएगा 10 x एंड sec x। ओके, ये हो गया, sin अपॉन cos 10 हो गया एंड 1 अपॉन cos sec हो गया। ओके, देन अब इसको हम कर लेंगे यहाँ पर, तो 2 को बाहर ले लीजिए एंड sec² x dx, एंड यहाँ पर 3 एंड यहाँ पर 10 x sec x। क्या होता है इसका, अभी देखा था थोड़ी देर पहले, ये हो जाएगा 2 tan x माइनस ये कितना हो जाएगा sec x प्लस, ये हो गया हमारे पास इसका सॉल्यूशन। ओके, तो 20 नंबर क्वेश्चन भी हो गया। अब हम आगे देखते हैं 21। तो यहाँ पर एक कर लेंगे 21 या 22 जो भी रहेगा आपका, तो इस मेरे हिसाब से हमें 22 कर लेना चाहिए है ना, वो समझिए। ये तो आप खुद करते हैं, देखो यहाँ पर मैं इसको रफ कर रहा हूँ, ये देखेंगे हम लोग है ना, ये थोड़ा बड़ा भी है और आपको क्लियर हो जाएगा। तो हमारे पास d/dx और फंक्शन दे रखा है 4x³ 3x⁴ एंड f 0। ओके, तो हमें इसका इंटीग्रेशन निकालना है, तो इंटीग्रेशन करने के लिए सिंपली ये सिंबल सेंड करेंगे, तो यहाँ पे ये क्या आ जाएगा, 4x³ 3/x⁴ एंड dx+c ये होगा। अब इसको आप अलग अलग कर लीजिए, 4x³, अब 3 को आगे लेंगे तो हम यहाँ पे x-4 इस तरीके से लिखेंगे इसको। ठीक है, मैं इसको एक स्टेप आगे बढ़ा दिया मैंने, ठीक है। अब यहाँ पर हम इसका निकालेंगे तो 4 को बाहर लेंगे एंड इंटीग्रेशन, तो क्या होगा x/4/4। ओके, एंड यहाँ पर ध्यान रखना, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर 3 बार आ गया, अब ये यहाँ पर प्लस होता है तो यहाँ पर क्या x की पावर -3
अपॉन माइनस थ्री हो जाएगा प्लस थ्री। आगे करेंगे हम लोग तो यहाँ पे 4 से 4 कट हो गया, एक्स अपॉन 4 माइनस माइनस प्लस, और इसे हम एक्स अपॉन 3 इनके लिए कर लेंगे प्लस थ्री, ये हो गया। तो अब हमारे पास यहाँ पे क्या गिवन है, हमें निकालना है कि ये एफ टू, तो एफ एक्स तो आ गया, अब एफ टू तो 2 रख देंगे यहाँ पर, 2 की पावर 4 1 अपॉन 2 की पावर 3 प्लस थ्री, राइट। एंड 2 की पावर 4 कितना हो गया 16, एंड यहाँ पर कितना 1 अपॉन 8 एंड प्लस थ्री, ये हो गया। तो ये निकालेंगे तो हमारे 129 अपॉन 8 हो जाएगा प्लस थ्री, है ना, ये हो गया। तो यहाँ पे सी की जो वैल्यू हो गई हमारे पास कितनी हो गई, सी की वैल्यू हो गई हमारे पास -129/8। तो अगर हम इक्वेशन की बात करें तो हमारे पास इक्वेशन कौन सी जाएगी, x/4 1/x और सी माइनस प्लस माइनस ये, तो x/4 तो जो फर्स्ट नंबर वाली दिख रही है आपको, जैसे ये देखिए ये जो फर्स्ट वाली है x/4, तो यानी कि जो हमारे पास ए ऑप्शन है ना, वो हमारे पास क्या है सही, इसका सॉल्यूशन हो गया। तो इस तरीके से हम इसको करते हैं, ओके। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब हम क्या करेंगे, ये आपकी जो एक्सरसाइज है 7.1 वो कंप्लीट हो गई है, अब 7.2 देखते हैं, ओके। तो 7.2 में क्या करना है वो देखो, ये देखिए आइए। अब यहां पर मेथड ऑफ इंटीग्रेशन देखो, ये क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं आपके, यहाँ पर ये आपको खुद को करना है। क्या करोगे, x/(1/2) + 1/(x)/(2) ये करेंगे और ये आपका हो जाएगा, ठीक है। अब आगे देखो, तो यहाँ पर आप 3 है 7.2 में, इंटीग्रेशन ऑफ सब्स्टिट्यूशन। देखो नाम से ही सब्स्टिट्यूट पहले ही पढ़ चुके हैं हम लोग कि वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, इंटीग्रेशन यूजिंग पार्शियल फंक्शन एंड इंटीग्रेशन बाई पार्ट, 3 यहाँ पर मेथड है। सब्स्टिट्यूशन वाला देखो, अब ऐसे तो आपको यहाँ पे समझोगे कि टी रखते हैं वो तो थोड़ा आपको कॉम्प्लिकेट लगेगा, या समझो जैसे साइन एम एक्स है, ओके। तो साइन एम एक्स है तो वी नो दैट डेरिवेटिव एम एक्स इज एम, दस वी कैन सब्स्टिट्यूशन एम एक्स इज इक्वल टू टी। तो हमने क्या किया, यहाँ पर जो फॉर्म थी उसको क्या रख लिया, टी इक्वल। एंड अब इसको हम जो ये है तो इसको हम इसके एक्स के देखो समझो, इसको टी के एक्सेप्ट करेंगे इसको, तो क्या लिखेंगे जो समझना है आपको। तो देखो ये कैसे हुआ, एम डी एक्स इक्वल डी टी, ये कैसे हुआ वो समझो आप, एम एक्स इक्वल टू टी है और ये कैसे हुआ समझो। यहाँ देखो, यहाँ से थोड़ा आपको और क्लियर हो जाएगा, सब्स्टिट्यूट समझ में आ गया होगा। तो हमने क्या किया, जो भी एक्स था तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल ऑफ एक्स टू टी वाई सब्स्टिट्यूट एक्स इक्वल टू जी टी, इस तरीके से हम लिखेंगे। तो यहाँ पर आई इक्वल टू इंटीग्रेशन एक्स डी एक्स है एंड एक्स इक्वल टू जी टी हमने यहाँ पे लिखा। अब यहाँ पर एक्स का हम डिफरेंशिएट करेंगे तो डी एक्स अपॉन डी टी एंड यहाँ पे क्या हो गया जी डैश टी, ओके। एंड अब जी टी को जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, डी एक्स इक्वल टू जी डैश टी, ये हो गया। देन आई इक्वल टू एफ एक्स डी एक्स, तो अब एफ एक्स जो डी एक्स है, जो एफ एक्स है उसके लिए हम क्या पुट कर देंगे, यहाँ समझो जो ये एक्स है इसको हम क्या लिखेंगे जी टी, ओके, एफ जी टी एंड जी डैश टी, ओके। तो इस तरीके से हम यहाँ पर, क्योंकि देखो यहाँ पर एक्स जी टी है एंड डी एक्स की वैल्यू क्या है जी डैश टी, तो हम यहाँ पर उस तरीके से इसको पुट कर, तो वही है यहाँ पर, यहाँ पर एम एक्स इक्वल टी रखा हमने विथ रेस्पेक्ट टू टी के, हमने यहाँ पे इसको डिफरेंशिएट किया। तो डी एक्स का ये हो गया एम एंड डी एक्स अपॉन डी टी, और यहाँ पर ये हो गया 1, क्या हो गया, ये हो गया आपका प्लस 1 एंड 1 को डी टी से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या जाएगा डी टी हो जाएगा, ओके। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो देन साइन एम एक्स, अब एम एक्स जो है हमारे पास ये क्या, और डी एक्स अगर मैं बात करूँ यहाँ पर तो ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन, समझो इसको मैं आपको करके दिखा देता हूँ, ये क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा तो आपको समझ आ जाएगा, समझो। तो यहाँ देखिए साइन एम एक्स है,
था ये, है ना। तो हमने यहाँ पे कर लिया था क्या, एम एक्स इक्वल टी कर दिया था हमने, एंड हमने इसको सॉल्व लिया था एम डी एक्स इक्वल टू डी टी, एंड डी एक्स इक्वल टू डी टी अपॉन एम। ओके, तो अब यहाँ पर ये चीज़ आ रही है कि एम एक्स इक्वल टू टी है और ये डी एक्स इक्वल टू टी है ना। इंटीग्रेशन साइन एम एक्स एंड डी एक्स ये है। अब एम एक्स इक्वल टू क्या है, टी, एंड डी एक्स इक्वल टू क्या है, डी टी अपॉन एम, ये तो है। तो एम को हम बाहर ले लेंगे, वन अपॉन एम साइन टी डी टी। अब इसको साइन टी इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, साइन टी वन अपॉन एम माइनस कॉस टी होता है, तो माइनस को हमने आगे ले लिया, कॉस टी प्लस टी। अब यहाँ पर जो टी की वैल्यू है, यहाँ पर जो टी की वैल्यू है वो क्या है हमारे पास, एम एक्स। तो हमने यहाँ पर एम एक्स प्लस टी कर दिया, कॉस एम एक्स प्लस टी, तो माइनस वन अपॉन एम कॉस एम एक्स प्लस टी। इस तरीके से हम क्वेश्चन को करते हैं। तो ये हो गया आपका सब्स्टिट्यूशन। तो अब यहाँ देखिए दूसरा क्वेश्चन, दो एग्जाम्पल करा रहे हैं वो भी समझ लो आप। क्या है पहले तो क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या है हमारे पास, टू एक्स साइन एक्स स्क्वायर प्लस वन, टू एक्स साइन एक्स स्क्वायर प्लस वन। आप क्या करोगे यहाँ पर, यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वन इक्वल टू टी करेंगे, है ना। एंड इसका टी के रेस्पेक्ट में करेंगे डिफरेंशिएट, तो ये जगह टू एक्स, ये हो जाएगा जीरो, है ना, एंड डी एक्स अपॉन डी टी। एंड यहाँ पर जो ये है टी, ये क्या बन जाएगा, वन, तो टू एक्स डी एक्स अपॉन डी टी, डी एक्स टू डी एक्स ये हो गया, एंड डी एक्स इक्वल टू डी टी अपॉन टू एक्स ये हो गया। तो टी बराबर ये निकाल लिया हमने। ओके, तो अब देखो यहाँ पर क्या करना है वो समझो। यहाँ पर आपको ध्यान देना है साइन टी डी टी ये निकालेंगे, साइन टी डी टी। ओके, तो साइन टी डी टी का हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर वो समझिए। साइन टी डी टी ये है, तो यहाँ पर और टू एक्स भी है साथ में, है टू एक्स भी है साथ में, और ये साइन एक्स वापस लिख लीजिए एक बार, टू एक्स साइन एक्स स्क्वायर प्लस वन एंड डी एक्स है, इसकी वैल्यू हमारे पास टी है, तो टू एक्स साइन टी और डी एक्स के लिए क्या है, डी टी अपॉन टू एक्स, ये काट दो, तो साइन टी एंड डी टी ये हो गया साइन टी। एंड यहाँ पर साइन टी का क्या होता है हमारे पास, कॉस टी माइनस कर, कॉस टी प्लस टी, एंड कॉस टी की वैल्यू क्या होती है हमारे पास, सॉरी टी की वैल्यू क्या है हमारे पास, टी की वैल्यू है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस कॉस एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस टी, ये हमारे पास इसका सॉल्यूशन आ गया। ओके, नाउ अब हम थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो इसमें से कोई एक देख लेते हैं दोनों में से, बाकी तो आप कर सकते हैं। तो साइन फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखते हैं, साइन टेन इनवर्स एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, साइन टेन इनवर्स एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, फोर नंबर आपका ये क्वेश्चन है। ओके, तो यहां पर आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि हम जानते हैं कि टेन इनवर्स एक्स का जो डेरिवेशन होता है, यानी कि जो इसका डिफरेंशिएट होता है वो क्या होता है, वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, ये हम लोग जानते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या रख देंगे हम लोग, टी रख देंगे, क्या रख देंगे, टी। एंड इसका हम डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या बन जाएगा, वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ओके, एंड ये वन हो जाएगा तो ये हो जाएगा डी टी। ओके, तो डी एक्स इक्वल टू वन प्लस एक्स स्क्वायर डी टी ये हो गया। ओके,
निकल के आ गए। अब यहाँ पर हम लोग इसे पुट करेंगे, तो साइन टी पहली प्रॉपर्टी एंड डी एस की जगह 1 + x² dt अपॉन 1 + x² ये कट गया आपका। तो हमारे पास साइन टी टी साइन टी डी टी बचा, इसे हम निकाल देंगे यहाँ पर। तो ये कितना है, -cos t प्लस टी, एंड टी की वैल्यू -cos tan इनवर्स x + c, ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई। ओके, तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को करते हैं। और देखिए, तो ये चीज तो आई थिंक आप लोग कर लोगे। एग्जाम्पल आपको देख लेना है, कोई ये है आपका सेकंड नंबर टेन एक्स, तो यहाँ पर देखिए टेन एक्स को साइन अपॉन एक्स कर दोगे आप, एंड यहाँ पर कॉस एक्स, देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें यहाँ पे प्रूव करना है, क्या करना है हमें प्रूव करना है। तो हमने क्या किया, कॉस एक्स इक्वल टू टी कर दिया है ना, तो साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू -dt। एंड अब यहाँ पर हमने इसको पूरा प्रोसेस किया, तो इसको ये सॉल्व हो गया। अब देखो हम क्वेश्चन की कुछ क्वेश्चन है वो देखो, समझना है क्या पूरा, देखो समझो टेन एक्स है तो साइन अपॉन एक्स हो गया, कॉस एक्स जो है हमारे पास वो हमने क्या मान लिया, टी के बराबर मान लिया है ना। तो डिफरेंशिएट करेंगे तो साइन एक्स डी टी अपॉन डी एक्स बनेगा, साइन एक्स डी एक्स अपॉन डी टी बनेगा, एंड ये वन बन जाएगा। ओके, तो इसको हम आगे सॉल्व करेंगे तो ये माइनस का आ जाएगा इधर है ना, तो साइन एक्स इसको माइनस कर दे, तो साइन एक्स डी एक्स एंड -dt ये हो गया। अब हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर लेंगे, तो टेन एक्स ये पूरा क्या जाएगा, टेन एक्स साइन अपॉन एक्स, तो साइन एक्स तो कितना -dt बाहर आ गया। ओके, एंड टी अपॉन नीचे आ गया तो लॉग टी हो गया, एंड ये पूरा इस तरीके से सॉल्व हो गया। तो दिमाग लगाना पड़ेगा, ऐसे नहीं है मैं तो दिमाग की होती है। यहाँ देखिए कॉस एक्स, तो यहाँ पे कॉट होता है कॉट एक्स इक्वल टू कोस अपॉन साइन, तो साइन एक्स नीचे वाले को हमने क्या मान लिया, टी के इक्वल माना, तो इसको सॉल्व किया तो कॉस एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी यहाँ वैल्यू पुट करिए उसके अकॉर्डिंग, एंड यहाँ पर ऐसा तो ये सॉल्व हो गया। अभी क्वेश्चन कराएंगे, देखिए यहाँ पर सेक एक्स डी एक्स, तो सेक एक्स डी एक्स, एंड यहाँ पर अब देखो क्या किया हमने, हमने यहाँ पर सेक एक्स, अब देखो हमें ये लाना है, क्या लाना है, ये लाना है, तो उसी को मानिए तो हमने क्या किया, सेक एक्स प्लस टेन एक्स, सेक एक्स प्लस टेन एक्स को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, तो इससे हमारे पास सेक एक्स प्लस टेन एक्स इक्वल टू टी मिल गया। तो सेक एक्स इक्वल टू टेन एक्स प्लस सेक एक्स, ये हमने इसका डिफरेंशिएट किया, हमारे पास टी ए निकल के आ गया पूरा। तो अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इसको पुट कर सकते हैं, तो जिससे ये कट जाएगा है ना, ये कट जाएगा, तो हमारे पास सेक एक्स डी एक्स ये बचेगा रिमेनिंग, एंड यहाँ पर इसका आगे सॉल्व करेंगे तो डी टी अपॉन डी टी अपॉन टी बचेगा, एंड यहाँ पर लॉग टी, एंड ये पूरा आपका प्रोसेस हो जाए। ओके, तो इस तरीके से हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब आगे बढ़ो, ये क्वेश्चन देखिए, इस बुक में देख लो आप, ये आपके एग्जाम्पल्स है, तो ये तो आप खुद ही कर सकते हैं, क्या समझा देते हैं आपको एक बार। ये देखिए कॉस एक्स डी एक्स यहाँ पर दे रखा है, तो कॉस एक्स हमने यहाँ पर डी एक्स पर हमने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, अब हमने यहाँ पर नीचे कॉस एक्स प्लस कॉट एक्स इसको टी माना, इसको यानी कि इस नीचे और टी मान लिया, इसे सॉल्व करेंगे तो ये पूरा क्या आ जाएगा, डी एक्स एंड ये डी टी है ना, पूरा इसको आप रिमूव कर लेंगे तो वहाँ पे कॉस एक्स डी एक्स बचेगा आपके सामने। तो एक्स की वैल्यू यानी कि जो पूरी वैल्यू है वो आप पुट करेंगे यहाँ पर, तो जैसे ही आप पुट करेंगे तो आपके पास ये पूरी वैल्यू निकल के आएगी, एंड इसको आप सॉल्व कर सकते हैं इस तरीके इस फॉर्म में। एंड इसी तरीके से फाइंड द फॉलोइंग इंटीग्रल, ये आपको इजी से निकालने हैं, तो कुछ एग्जाम्पल्स इंपॉर्टेंट होते हैं वो आपको करने होते हैं। बाकी अब हम क्वेश्चन पे आते हैं, जो क्वेश्चन हमारे पास हैं। ओके, क्वेश्चन आपको करने हैं तो वो हम आपको करेंगे। चलो अब आते हैं 1 by 1 क्वेश्चन पे। कहाँ गया हमारा, ये रहा किताब, ये है।
ये क्वेश्चन आपको करने हैं, मैं अब आपको जो एक्सरसाइज क्वेश्चन है वो आपको कराएंगे। ये देखिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये है, तो हम क्या करेंगे, 2x 1 + x² ये रहता है, और आपको यहाँ पे एक इंटीग्रेशन निकालना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, 1 + x² = t, इसको जो रखा है इसको तो जैसा समझो, इसको अभी आपको क्लियर हो जाएगा। इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, देखिए इसका ये हो जाएगा 2x, ये बचेगा dx/dt विथ रेस्पेक्ट टू t, है ना। तो यहाँ पर ये 1 हो गया, तो 2x एंड ये हो जाएगा dt, राइट। एंड dx = 1/2 2x, ये आपका हो गया। तो एक तो हमारे पास ये हो गया, एक ये हो गया। अब तो यहाँ पर ये जो dx है, तो dx यहाँ पर 2x दे रखा है, ये t हो गया, एंड यहाँ पर dt/2x हो गया, तो इसे काट देंगे हम लोग, है ना, इसे काट देंगे। तो हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास इसका dt/t बचेगा, क्या बचेगा, dt/t, और इसका हम इंटीग्रेशन जानते हैं क्या होता है, log t + t, यानी कि log यहाँ पर t के लिए क्या है, 1 + x² + t, ये इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। अच्छा, इसका हम ये यूज क्यों कर रहे हैं, पहले वाला कर लें, इसको आप वैसे करने बैठोगे तो थोड़ा टाइम लगेगा आपको, ये थोड़ा फास्ट मेथड है ना। तो ये क्वेश्चन इस तरीके से आपकी जल्दी सॉल्व होंगे। चलो अब सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, log x / x, log x / x, तो log x² क्या करें भाई इसमें, तो यहाँ पर हम लॉग एक्स को मान रहे हैं, log x = t, यानी कहा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखेंगे हम लोग, तो इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या बनेगा, 1/x dx/dt, और ये 1 हो गया, तो 1/x, तो ये कितना बन गया हमारे पास, dx के लिए वाली वो बात करें हम लोग, तो x dt, ये तो बन गया भाई। तो अब हम यहाँ पे इसको रख लेते हैं, तो देखो log x की वैल्यू तो हमारे पास t आ गया, एंड जो dx होता है, मतलब log x का होल स्क्वायर अपॉन x dx ही होता है, तो इसकी वैल्यू तो हमारे पास कितनी आ गई, इसकी तो t² आ गई, जो dx है हमारे पास ये कितनी है, x dt, एंड यहाँ पर क्या है, x है, x से x काट दिया, हमारे पास क्या बचा, t² dt, यही तो बचा। एंड t² dt तो क्या होगा, t³/3, तो ये क्या हो गया, +t, है ना। तो अब t की वैल्यू क्या है हमारे पास, t की वैल्यू है हमारे पास, t कहाँ गया भाई, हाँ log x है। तो यहाँ पर हम log x का स्क्वायर अपॉन, है ना, और यहाँ पर dx ये हो गया पूरा हमारे पास, तो t³/3, ओके ठीक है ये है। तो अब हमारे पास log x n 1/3, चौथा n ये c हो गया। तो अब हम इसको अगर फाइनल करें तो 1/3 log x³/3 + c, ये हमारे पास इसका सॉल्यूशन आ गया, ओके। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को कर, अब और देखिए क्वेश्चन, देखो ये क्वेश्चन आप नोट डाउन कर लिया करो, साथ के साथ कर लेगा करोगे तो अच्छा रहेगा। अब देखो मैं अब ये कर लोगे, फाइनल नंबर क्वेश्चन करा देता हूँ आपको, है ना। sin ax + b, कुछ तो खुद भी मैनेज करोगे कि नहीं करोगे, कि सारा हम ही करा दें, ax + b ये हो गया। तो यहाँ पर क्या करना है वो समझो, यहाँ पर हम इसमें क्या करेंगे, अब इसमें आप वो मतलब बैठ जाना, इसको थोड़ा ध्यान समझना, इसको हम एक फॉर्मूला बना लेते हैं, क्या बनाते हैं, एक फॉर्मूला, वो समझो क्या फॉर्मूला बनाएंगे हम, इसको 1/2 एंड 2 sin ax + b cos ax + b, ये कर लिया हमने, है ना। तो इससे क्या होगा हमारे पास, जो ax + b, ए तो ये हमारे पास एक फॉर्म बन जाएगी, 1/2 एंड 2 sin ax + b cos ax + b, तो हमारे पास ये बनता है cos 2a + 2b, है ना,
एंड यहाँ पर प्लस सी, ओके, एंड ये होगा हमारे पास 2a, क्या होगा हमारे पास 2a। क्या किया हमने, हमने यहाँ पर पूरी इस फॉर्म को सॉल्व किया है, ओके, 2 साइन ए एक्स प्लस बी कॉस ए एक्स प्लस बी, ये पूरा हमने सॉल्व किया। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या बन के आएगा, ये आएगा 1 माइनस 1 अपॉन 4a एंड कॉस 2a प्लस 2b प्लस सी, ये इस तरीके से हमारे पास ये पूरी फॉर्म बन के आती है। तो हमने ये फॉर्मूला है ना ये पूरा, तो हमने इसको यूज कर लिया एंड यहाँ पे हमने इस तरीके से इसको सॉल्व किया, ओके। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि कैसे क्या करना है। अब नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, लेकिन ध्यान रहे आप ये हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में 8 या 7 से स्टार्ट कर लेंगे, 6 वाला खुद करेंगे। हिंट बहुत सिंपल है, जैसे ये 1/2 हो जाएगा, ए एक्स प्लस 1/2 है ना, तो अगर आप इसका डिफरेंस करेंगे तो ए एक्स प्लस बी, ये 1/2 प्लस करेंगे वही 1/2 में 1 प्लस करेंगे कितना हो जाएगा 3/2 हो जाता है, सॉल्व करेंगे तो काफ़ी इजीली ये सॉल्व हो जाएगा, ओके। वैसे आप इसको सॉल्व कर सकते हैं एंड इसको भी आपको सॉल्व करना है, ओके। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसको कंप्लीट करेंगे एंड कैसे और क्वेश्चन कर सकते हैं वो हम यहाँ पर देखेंगे, ओके। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक आप प्रैक्टिस करते रहें एंड इसको समझ लें।